33 दिन बचे हैं जेई मेंस के, इस टाइम रेलेवेंट टॉपिक करना बहुत जरूरी है। और एक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी रैंक को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है। इससे पहले हम फिजिक्स में कंफर्म कर चुके हैं अपने 40 मार्क्स, पुरानी वीडियो की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दूसरी वीडियो है जहाँ पे हम केमिस्ट्री में अपने 50 मार्क्स कंफर्म कर रहे होंगे अगले 10 मिनट के अंदर। तो भाई अगर तुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, कोई स्ट्रक्चर कोर्स नहीं मिल पा रहा है, जेई मेंस की तैयारी में एकदम ब्लैंक बैठा है, तो भाई अनअकैडमी तुम्हारे लिए बहुत प्यारी चीज लेके आया, पहले उसके बारे में सुन लेते हैं। ये है तुम्हारा रैंक बूस्टर कोर्स, 90 दिन का एक क्रैश कोर्स है। अगर तुम जेई का सेकंड अटेम्प्ट टारगेट करो अप्रैल में, या तुम फर्स्ट अटेम्प्ट को भी रिवाइज करना चाह रहे हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज हो सकती है। इसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस चीज के फीचर तुम देख रहे होगे बहुत तगड़े तगड़े। सबसे पहले तुम्हें देखा यहाँ पे आशीष सर, तुम्हारी पूरी फीस को प्लान करोगे, जानते हो यार आशीष सर को मैं क्या बताऊं तुमको। साथ में नमो कॉल सर, निशांत वोरा सर, साक्षी मैम, आपको सब यहाँ पे लेजेंडरी फैकल्टी मिल रही होगी अनअकैडमी की तरफ से, तो फैकल्टी में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसमें बहुत करा फीचर लगा मुझे भाई, लर्निंग लूप। इस लूप से चलोगे अगर तुम अपने सब्जेक्ट में मास्टर कर सकते हो, सबसे पहले डीपीपीस करोगे, उसके बाद अटेम्प्ट करोगे तुम बेस्ट टेस्ट को, तुम्हारे पार्ट टेस्ट होते हैं, और ऐसे ऐसे करके अपने लूप में घूम के एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे होगे। बहुत ही बेहतरीन चीज लगी। एक और भयंकर सी चीज यहाँ पे है, तुमको पाथवे टू क्रैक जेई दिख रहा होगा। अगर तुम मॉड्यूल 1 कर लेते हो तुम 25% रेडी हो जाते हो, मॉड्यूल 2 कर लेते हो 50% रेडी हो जाते हो, ऐसे ऐसे करके तुम मॉड्यूल्स वाइज डिवाइड कर दिए तुम्हारी प्रिपरेशन को। 20 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर तुम अजय 50 कोड यूज कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन ऑफर में ले सकते हो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में अवेल कर लो इसको। चलो भैया रिसोर्सेज के साथ तुमको दे रहा हूँ, यहाँ पे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में रिसोर्स भी मिल रहे होंगे तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग और लेक्चर देखने के। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तेरा टॉपिक आता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग। दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, और भैया देखते ही ये टॉपिक कर सकते हो तुम, 4-5 सेकंड के अंदर इसका निकाल के आंसर मार्क कर सकते हो। दो हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो प्लस 8 नंबर इसके तो आएंगे, सिर्फ एक वन शॉट वीडियो देखना है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन BYQ लगाने हैं। चलो अगला जो सेकंड नंबर पे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुमको आराम से दो क्वेश्चन मिलेंगे तुमको उसको जेई मेंस में, प्लस 8 तुम यहाँ भी कंफर्म कर सकते हो। इजी आते हैं इसलिए मैंने लिखे, हवा में मैंने नहीं बनाया ये, इजी वाले जो तुम अगले 35 दिन के अंदर कर सकते हो, और जो हाई वेटेज है उनको ढूंढ ढूंढ के छाट छाट के पेपर एनालिसिस करके लिखा है, तो फॉलो कर इस लिस्ट को, बिलीव मी। अगला आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी मैंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग से प्लस 4 मार्क्स है, तुम कंफर्म कर सकते हो। आता क्या है इसमें, मेटलर्जी ऑफ जिंक, मेटलर्जी ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, इनसे उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 15-20 मिनट की रीडिंग मारो, तुम्हारे 4 नंबर कंफर्म हो गए। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है हाइड्रोजन। अच्छे छोड़ ही देते हैं इसको मेरे भाई, एनसीईआरटी उठा, 10-15 मिनट रीडिंग लगा, समझ आ जाएगा तुझे कितना इजी चैप्टर है। और जिसको एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आता उसके लिए मैंने रिसोर्स में वन शॉट वीडियो लगा रखी है, वरना मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन देख लो, प्लस 4 यहाँ 4 सेकंड में वहां पे तुम 4 नंबर कंफर्म कर सकते हो इस क्वेश्चन के बदौलत। अगला आता है हमारा पी ब्लॉक, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है पी ब्लॉक, ठीक है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कर लो एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी नहीं हो रही तो वन शॉट वीडियो देख लो। तो यहाँ पे तुम प्लस 4 से लेके प्लस 8 तक मान सकते हो, क्योंकि दो क्वेश्चन इसके आ रहे होते हैं, लेकिन हम एक ही मान के चलते हैं सेफ साइड पर रह के, कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देख लो इतने इतने से इजी चैप्टर आधे एनसीईआरटी से ही हो जाएंगे, और उनमें तुम इतने इतने नंबर लेके आ रहे हो, तुम्हें अभी भी लगता है 50 मार्क्स नहीं ला सकते तुम केमिस्ट्री में, अगले 35 दिन में बिल्कुल ला सकते हो। आगे देखो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लौता ऐसा चैप्टर है जहाँ से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। अगर तुम अमीन्स करने बैठ गए, अल्कोहल करने बैठ गए, तो उसमें होता है क्या, बेसिकली आसपास के बहुत सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मतलब अगर तुमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो तुम उसका क्वेश्चन नहीं करा पाओगे। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में टेनिन जारो रिडॉक्स रिएक्शन इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और तुम कर भी सकते हो भाई, आसान भी आता है। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन आते हैं वैसे तो, हम प्लस 4 ही मान के चल रहे हैं, ठीक है सेफ साइड पर रहेंगे, हवा में नहीं घूम रहे हम, ठीक है एकदम प्रैक्टिकल बातें आऊंगी। अगला आता है बायो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। अगेन 2 घंटे की एनसीईआरटी रीडिंग, 8 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म, 8 तो नहीं, बायोमोलिक्यूल से एक आ जाता है, फिर कोई भी पॉलीमर से एक आ जाता है, तो दोनों में से एक 100% आ रहा होता है, प्लस 4 मार्क्स यहाँ कंफर्म सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की रीडिंग मार के, या 2 घंटे का वन शॉट देख के तुम्हारे ऊपर है। अगला आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, प्लस 4 मार्क्स सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मले, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऑर्गर का तुम्हारा टी हाफ निकालने को आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, केमिकल काइनेटिक्स जरूर करना है तुझे। अगला आएगा हमारा सरफेस केमिस्ट्री, एक और फिजिकल का चैप्टर, एक और निहायती सी चैप्टर, एक और एनसीईआरटी रीडिंग पर उड़ने वाला चैप्टर, सिर्फ 2 घंटे की एनसीईआरटी रीडिंग या फिर एक वन शॉट 2 घंटे का देख के BYQ लगाओ, प्लस 4 मार्क्स कंफर्म करो, सबसे इजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर लेके आऊँ मैं तुम्हारे लिए। ओके चलो अब ये कुछ स्पेशल मेंशन है, जिस बच्चे को करने हैं कर लो, नहीं करने हैं तो छोड़ सकते हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा छोड़ने के लिए। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एनसीईआरटी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एनसीईआरटी, नस्ट इक्वेशन एक वन शॉट वीडियो देख लो, नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन कर लो, 90% ऑफ द क्वेश्चन जो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से आ रहे हैं वो नस्ट इक्वेशन से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ नस्ट इक्वेशन वैल्यूज भरनी होती है। तो ये स्पेशल मेंशन वाले क्वेश्चन कर लोगे तो 8 नंबर तो यहाँ भी कर सकते हो। आओ इन 8-9 टॉपिक में तुम्हें बताता हूँ कितने ज्यादा मार्क्स तुम स्कोर करोगे, गिनते हैं, आओ साथ में गिनो, 8-8, 16, 16-4 कितने हो गए 20, 20-4, 24, 24-4, 28, 28-4, 36, ठीक है 36 मार्क्स हो गए, 40, 44, 52, और 52 तो ये हो गए, 8 मार्क्स से भी कर ले तो 60 नंबर। हमें नहीं करना मोल कंसेप्ट भाड़ में जाए, हमें करने नहीं इक्विलिब्रियम,
हमें थर्मोडायनेमिक्स करने ही नहीं है जो साला घंटों लग जाते हैं, हम तो एनसीईआरटी पढ़ के मार्क्स बटोर के 50 से लेके 60 नंबर इजीली आ रहे होंगे। बिलीव मी, ये फॉलो कर ले, अगले 35 दिन में अगर रिजल्ट नहीं आते ना तो उस चैनल का नाम बदल दूंगा मैं। कोई हवाबाजी नहीं करी है मैंने, साथ साथ रिसोर्सेज भी तुमको दिए हैं, तो करना कहां से, फिजिक्स की ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो 50 मार्क्स अपने फिजिक्स में भी जाके कंफर्म करो, 50 मार्क्स हमारे ऑलरेडी मैं कंफर्म कर चुका हूं, मैथ्स की वीडियो कल आ जाएगी, तो सब्सक्राइब मार लेना वरना छूट जाएगी वीडियो। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो अनअकैडमी के कोर्स में ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आज 50 यूज करोगे तो भारी भारी ऑफर भी मिलेगा। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा।